तो कैसे दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ फिर से एक नया वीडियो फोटो एडिटिंग पे। तो रुको, जरा सबर करो। तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो जाके मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि न्यू तरीका से आप फोटो को कैसे एडिट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको जो फ़ोटो ऐड करनी है उसे एडिट करनी है उसे हम ऐड कर लेंगे पिक्स आर्ट पे। तो उसे हम ऐड कर लेते हैं अपने पिक्स आर्ट पे। ऐड करने के बाद उसे ओपन कर लीजिए। उसे ओपन करने के बाद मेरी पिक्चर थोड़ी बड़ी है तो मैं उसे क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद दोनों साइड से क्रॉप कर लीजिए इसको। दोनों साइड से क्रॉप करने के बाद फोटो कुछ इस तरह से लग रही है। उसके बाद हम इस पे कुछ एफेक्ट्स यूज़ करेंगे। आप देखे होंगे कि कई तरीका से डबल टोन कलर एडिटिंग होती है, तो आज हम आपको ही सिखाने वाले हैं कि डबल टोन कलर एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। एफेक्ट्स यूज़ करनी पड़ेगी। ब्लैक एंड वाइट एफेक्ट्स देख लीजिए अपने, थोड़ा सा ड्रैग करके ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट होगी उसे आप ऐड कर लीजिए। आपको जो बढ़िया लग रही है आप उसे ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद ऊपर से राइट डन कर लीजिए। राइट डन करने के बाद आपको दोबारा फिर से और एक एफेक्ट्स उसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो एफेक्ट्स पे जाने के बाद आप कलर वाले ऑप्शन पे जाके, कलर वाले ऑप्शन दिखेगी आपको लास्ट में, तो उसे आप जाके देख के आपको ब्लैक एंड वाइट वाली ऑप्शन मिलेगी, तो ब्लैक एंड वाइट को ऐड कर लीजिए। अमाउंट्स को पूरा जीरो कर दीजिए। जीरो करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर में इरेज वाला ऑप्शन है, उसे टैप करके आप इरेज पहले मर्ज कर दीजिए। उसके बाद आप इरेज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद ब्रश वाला ऑप्शन पे जाने के बाद आप 90% हार्डनेस को आप 90% प्लस रखिए। आपको पूरा बैकग्राउंड को ब्लैक करना पड़ेगा। तब मैं पूरा बैकग्राउंड को ब्लैक कर लेता हूँ, तब तक आप बैकग्राउंड साउंड को सुनिए। Things don't go to plan, I kinda lose my mind. I hope it's real, this life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you ever. अब देख सकते हैं मैंने पूरा बैकग्राउंड को ब्लैक कर दिया है। देख सकते हैं मेरे पूरा बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। तो ऊपर से राइट डन करके हमें कुछ और एफेक्ट्स इस पे ऐड करने पड़ेगी। राइट डन कर लीजिए, उसके बाद हम एफेक्ट्स यूज़ करेंगे। तब एफेक्ट्स पे जाने के बाद आपको एक ड्रामा नाम की एफेक्ट्स मिलेगी, आप थोड़ा सा ढूंढ लीजिए, आपको भी मिल जाएगी। ढूंढने के बाद आप देख सकते हैं हल्का सा उसे बढ़ा दीजिए, उसे राइट डन कर लीजिए। उसके बाद आपको मर्ज करने के बाद आपको और एक एफेक्ट्स ऐड करने पड़ेगी, लोमो नाम की एफेक्ट्स ऐड करने पड़ेगी। तो आप लोमो नाम की एफेक्ट्स आपको लास्ट में जाके देख लीजिए। आपको लोमो को ऐड करने के बाद आप लोमो को ऐड कर लीजिए। उसके बाद देख सकते हैं मैं जिस प्रकार से कर रहा हूँ उस प्रकार से आप भी करते जाइए। इरेज को लेके हार्डनेस को कम कर दीजिए, साइज को अपने हिसाब से रखिए, साइज को अपने हिसाब से रखिए जितना आपको रखनी है। उसके बाद हम ऊपर से राइट डन, फेस में हल्का सीरीज करने के बाद राइट डन। देख सकते हैं नीचे आप बॉडी के नीचे ब्लैकेस्ट आ गई है, हम लोग को वही लाना था, नीचे थोड़ा सा ब्लैकेस्ट लानी थी। हमारी पिक्चर यहाँ कम्प्लीट हो चुकी है, तो कम्प्लीट लगभग हो ही चुकी है। तो उसके बाद हम कुछ PNG सेट करेंगे। आपको PNG डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से मिल जाएगी, इजीली आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप उसे बड़ा थोड़ा सा ऐड दो PNG को ऐड करने के बाद आप उस साइज को बड़ा कर लीजिए। आपको साइड में देख सकते हैं मैं जिस प्रकार से लगा रहा हूँ, आप उसी प्रकार से लगाइए। साइज को बड़ा करने के बाद आप दोनों को सेम ही साइज को बड़ा करके दोनों साइड में लगा दीजिए। आपको बाद में पता चलेगी मैं इस तरह से क्यों कर रहा हूँ। इसी प्रकार कलर इफेक्ट आएगी फोटो पे। उसके बाद आप स्क्रीन में, उसके बाद आप दो में स्क्रीन कर लीजिए, दोनों को आप सेम ही रखिएगा। यहाँ स्क्रीन कर लीजिए दोनों को।
आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, जैसे आपका मन हो। मैं देख सकते हैं मैं किस प्रकार से लगा रहा हूँ, उसी प्रकार से आप भी लगाइए। उसके बाद डन कर लीजिए। देख सकते हैं पहले हमारी फ़ोटो कुछ इस प्रकार थी, अभी इस प्रकार हो चुकी है। उसके बाद हम ब्रश ड्रॉ में जाके हम इस पिक्चर को सेव करेंगे, तो थ्री डॉटेड दिख रही है, वहाँ जाके आप इस पिक्चर को सेव इमेज कर लीजिए। सेव इमेज हो चुकी है। सेव इमेज करने के बाद आप इसे लाइटरूम में ओपन कर लीजिए। ये आखिरी है, यहीं से हमारी कलर इफेक्ट आएगी। लाइटरूम में ओपन कर लीजिए अपने पिक्चर को। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं लाइटरूम आपका प्रीमियम वर्जन रहनी चाहिए। आप जानते हैं इसे कहाँ से डाउनलोड करना, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीमियम वर्जन रहेगी तभी आपको ये फ़ोटो एडिट हो सकती है। आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन दिख रही है, फर्स्ट ऑप्शन को आप ओपन कर लीजिए। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड प्लस के ऑप्शन होगा, उसे आप टैप करके लास्ट वाला जो स्क्वायर शेप में उसे आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद आप राइट साइड से थोड़ा स्क्रॉल करके हाफ जो फेस है वहाँ तक लाएंगे। आप देखते जाइए मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ, सेम टू सेम उसी प्रकार से कीजिए, तो आपके लिए ईजी पड़ेगी। देख सकते हैं हम उसके बाद हम कलर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद टेम्परेचर को 100 कर देंगे, 100 प्लस कर देंगे, 100 प्लस कर देंगे। टाइम को भी हम 100 कर देंगे और सेचुरेशन को भी हम लगभग 100 कर देंगे। देख सकते हैं ऑरेंज इफेक्ट आ रही है, तो ऑरेंज इफेक्ट आ चुकी है, ऑरेंज रेड। उसके बाद आप कलर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, तो हल्का रेड टेन हल्का ऑरेंज टोन दीजिए तो अच्छी रहेगी। मुझे ऑरेंज पसंद, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत सारे कलर। उसके बाद आप यहाँ से ठीक है, आप अपने हिसाब से। उसके बाद आपको फिर से उसी पर टैप करनी है। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड से स्क्रॉल करनी है, सेम उसी टाइप्स में करनी है जिस प्रकार से हमने राइट साइड की किया था, बट इस पर हम लोग को टेम्परेचर माइनस करना पड़ेगा। आप हल्का सा बढ़ा लीजिए, आप अपने पिक्चर के हिसाब से कर लीजिए। उसमें प्लस किया तो इसमें माइनस करना पड़ेगा। हल्का ब्लूइश टोन में देना चाहता हूँ, रेड के साथ ब्लू अच्छी लगती है। देख सकते हैं अब उसके बाद हल्का हल्का कर लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर लगभग कंप्लीट हो चुकी है, बस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम थोड़ा मोड़ा कुछ यहाँ पे हम उसके बाद हम थोड़ा मोड़ा कुछ इफेक्ट दें। देख सकते हैं पिक्चर हमारी कैसी थी, आपको पता चल चुका होगा मैंने उस PNG को वहाँ पे क्यों ऐड किया था। उसके बाद आप हल्का फुल का राइट लेफ्ट कर लीजिए, क्लियर को हल्का सा कम कर दीजिए, शार्पनेस को भी हल्का सा बढ़ा दीजिए। शार्पनेस को बढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं नॉइज़ कैंसिलेशन को भी बढ़ा दीजिए। लगभग हमारी पिक्चर कंप्लीट हो ही चुकी है यहाँ पे। उसके बाद आपको बट या एडिट करने के लिए आपको प्रीमियम वर्जन लाइटरूम चाहिए। उसके बाद हम यहाँ से 3D से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप 100% क्वालिटी के साथ इसे डाउनलोड कर लीजिए। देख सकते हैं हमारी पिक्चर डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी फ़ोटो पहले कैसी थी, अब कैसी हो चुकी है। अब आपको पता चल चुका होगा कि हमने उस PNG को वहाँ पे क्यों ऐड किया था। तो आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो स्क्रीन पे पहले कैसी थी, अब कैसी हो चुकी है। हमारी फ़ोटो फर्स्ट इस तरह से दिखती थी, उसके बाद हमारी फ़ोटो इस तरह हुई, उसके बाद हमारी फ़ोटो कुछ इस प्रकार से हो चुकी है। आपको मैं गैलरी में जाकर दिखा देता हूँ हमारी फ़ोटो अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड हुई है, किस प्रकार से थी, किस प्रकार से हो चुकी है। यह हाल ही में अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा था, आप इजी तरीक़ा से इसे एडिट कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी इसे एडिट करने में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। डिसलाइक का भी ऑप्शन है, अगर नहीं पसंद है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।